हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको बहुत थकी थकी लग रही होंगी क्योंकि आज मैं दिन भर से बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि कल राखी है, राखी का त्यौहार है तो उसकी प्रिपरेशन में मैं बहुत बिजी थी। और मैंने अपने भैयाओं के लिए चॉकलेट्स बनाई हैं, भतीजों के लिए चॉकलेट बनाई है और राखी खरीदी है। अच्छा, आपको दिखाती हूँ मैंने उनके लिए क्या क्या सामान लिया है। ठीक है, सामान मैंने बहुत सारा लिया है। देखो, मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं बहुत सारे। इस तरह से मैंने उनके लिए टोकरी प्रिपेयर करी है, इसमें सब राखी है, गिफ्ट्स हैं, है ना। ये स्वीट्स लिए हैं, ये कोकोनट्स हैं, है ना, और भी बहुत सारा सामान है जो मैंने उनके लिए परचेज करा है। और मेरी चॉकलेट्स बन गई हैं, देखो बन के तैयार हैं, फ्रिज के अंदर हैं, ये देखो। और कुछ चॉकलेट्स प्रिपेयर हो गई हैं, ये देखो। और ये बंदर बदमाश आ गया है, ये बंदर बदमाश। मैं आपको बताती हूँ कि मैं चॉकलेट किस तरह से बनाती हूँ। ये वाइट कंपाउंड है चॉकलेट का, ऐसे ही डार्क कंपाउंड आता है। आप चाहें तो प्योर वाइट कंपाउंड से बना सकते हैं और डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड को मिला के भी आप चॉकलेट बना सकते हैं। इससे क्या है कि ये चॉकलेट मोल्ड्स होते हैं, इसमें चॉकलेट के कंपाउंड को मेल्ट करके और इसमें डाला जाता है जिससे चॉकलेट बन जाती है। ये मैंने नट्स चॉकलेट बनाया है, अभी आपको अनफिनिश लग रहा है लेकिन पैक होने के बाद आपको पूरे फिनिश लगेंगे। ये नट्स हैं, इसके अंदर आलमंड डाल रखी है मैंने, ये बहुत यमी लगती है। होममेड चॉकलेट्स हैं, बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए, आपको मैं इनमें से एक निकाल के दिखाती हूँ कैसे लगती है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, हाँ इस, हाँ बन गई। इस तरह से ये चॉकलेट बन के तैयार हुई है, इसके अंदर आलमंड लगा हुआ है नीचे। ये देखिए, ये चॉकलेट है, इसमें अलग अलग शेप्स हैं, जैसे हार्ट शेप है, राउंड शेप है, और ये पूरा चॉकलेट बार बनाया है। इसको भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा एक चॉकलेट बार तैयार हो गया है। अब आप मार्केट में चॉकलेट बार लेने जाओगे तो आपको सबको पता है इसकी प्राइस क्या है, लेकिन मेरे को मात्र 150 रुपये में मेरी बहुत सारी चॉकलेट्स बन गई हैं। एक चॉकलेट बार बन गई, 3 मैंने आपको मिनी चॉकलेट बार बना के दिखा दी। इस तरह से मेरी 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे 25 चॉकलेट्स मेरी ये बन गई हैं, 3 बार्स बन गई हैं और एक बड़ी वाली बार बन गई है। अब आप चाहें तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरी इस तरह से तैयारी हुई है। अब मुझे क्या करनी है, मेहंदी लगानी है और अभी और भी पैकिंग करनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे पूरी फैमिली के साथ में। राखी कैसे मनाएंगे हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो जुड़ते रहिए हमारे साथ और कमेंट करके हमें बताते रहिए अपनी बातें। बाय।